जय हिंद और जय श्री राम सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एफकेट एग्जाम के बारे में कि एफकेट एग्जाम क्या है और एफकेट एग्जाम में एनसीसी वालों को क्या फायदा होता है। दोस्तों, आप में से काफी सारे भाई और बहनें ऐसे होंगे जिन्हें एफकेट एग्जाम के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा और उन्हें पता होगा कि भाई एफकेट में एनसीसी वालों को क्या फायदा होता है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें एफकेट एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता और उन्हें यह भी नहीं पता कि एफकेट एग्जाम में एनसीसी वालों को क्या फायदा होता। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एफकेट एक लिखित परीक्षा है जो हर साल साल में 2 बार भारतीय वायुसेना द्वारा इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर को शामिल करने के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। जैसे दोस्तों, आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए और सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और एनडीए और सीडीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद में एसएसबी इंटरव्यू होता है। सेम वैसा ही एफकेट का भी है, लेकिन दोस्तों एफकेट में सिर्फ आप इंडियन एयरफोर्स में ही ऑफिसर बन सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, ग्राउंड टेक्निकल ब्रांच और फ्लाइंग ब्रांच में। और दोस्तों, जैसे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम क्लियर करने के बाद जो एसएससीबी इंटरव्यू होता है, एसएससीबी इंटरव्यू में एनसीसी वालों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। मतलब एनसीसी जिनके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेड से होता, उन्हें मतलब डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। उन्हें एनडीए और सीडीएस के एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ता एसएससीबी के इंटरव्यू में बैठने के लिए। लेकिन जो एफकेट है, एफकेट में भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें ऐसा है कि भाई एफकेट के जो एसएसबी इंटरव्यू में बैठने के लिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एयर विंग एनसीसी का, और वो भी एयर विंग एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए ए या बी ग्रेड से, तभी आप एफकेट एनसीसी स्पेशल एंट्री में बैठ सकते हैं। यानी एफकेट के डायरेक्ट जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें आप डायरेक्ट बैठ सकते हैं जब आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट एयर विंग का होगा या बी ग्रेड से तभी। लेकिन दोस्तों, जो एनडीए सीडीएस का जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें आप आर्मी विंग के एनसीसी कैडेट हो या फिर नेवल विंग के एनसीसी कैडेट हो या फिर एयर विंग के एनसीसी कैडेट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। आप एनडीए सीडीएस के एसएसबी इंटरव्यू में किसी भी विंग के एनसीसी कैडेट हो, आपके पास सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेड है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो एफकेट है, एफकेट में सिर्फ दोस्तों एयर विंग के ही एनसीसी कैडेट का ही फायदा होता है एफकेट की स्पेशल एंट्री में। बाकी जो आर्मी और नेवल विंग के एनसीसी कैडेट है उन्हें भी फायदा होता है, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता, एसएसबी इंटरव्यू हो जाता, फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है फाइनल वाला, उसमें ही फायदा होता आपका एफकेट में। लेकिन आप एयर विंग के एनसीसी कैडेट हो तो आपको उसमें डायरेक्ट मौका मिलता इंटरव्यू देने का। और दोस्तों, जैसे एनडीए का एग्जाम होता, एनडीए का एग्जाम आप 12th पास होने के बाद या फिर 12th में रह के भी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। वैसे ही जो सीडीएस का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रह के भी आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो। सेम वैसे ही एफकेट में भी है, ग्रेजुएशन में रह के या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आप एफकेट का एग्जाम दे सकते हो। जो दोस्तों इसमें एज लिमिट होता है, एज लिमिट में थोड़ा जैसे सीडीएस का एज लिमिट हो गया और एफकेट का हो गया, इनका एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब सीडीएस के सॉरी एनडीए के मुकाबले एज लिमिट में काफ़ी ज़्यादा इनमें छूट जाता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, इसलिए एग्ज़ाम में छूट उम्र में छूट दी जाती है। और उम्र बिल्कुल फिक्स नहीं है दोस्तों, इसमें 1-2 साल ऊपर नीचे होता रहता है, 1 साल या 6 महीने ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है सीडीएस और एफकेट के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि एफकेट एग्जाम क्या है और एफकेट एग्जाम में किस विंग के एनसीसी कैडेट को कितना कितना फायदा होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।